देखिए, भारत देश के आदिवासी ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई, ये प्रकृति पूजक हैं और ये लोग स्वर्ग नरक की परिकल्पना, पुनर्जन्म की परिकल्पना और वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा, ये सब नहीं करते हैं। ये इनका जीवन ही प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और आज दुनिया में प्रकृति और पर्यावरण की चिंता मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा ये प्रकृति पूजा धर्म जो है सरना धर्म के नाम से 2011 साल की जनगणना में लगभग 50 लाख लोगों ने लिखाया था, इसको भारत सरकार को अविलंब मान्यता देनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग आदिवासी संगल अभियान के तरफ से कल दुमका में राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह बहुत बार हुए, मुंडा विद्रोह, संताल विद्रोह, उरांव विद्रोह, भूमिज विद्रोह इत्यादि इत्यादि, तो अभी लेकिन झारखंड, बृहद झारखंड और पूरे देश के आदिवासी लोग जो न्याय अधिकार और उनको आज़ादी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो सरना धर्म कोड का जो आंदोलन है इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना होगा, हर कीमत पर 2023 में इसको हासिल करना होगा। उसी विषय में आज मैं यहाँ आया हूँ कि हमारे जो साथी अपने अपने ढंग से इसके लिए लगे हुए हैं, हम एक दिशा में कैसे चलें, राष्ट्रीय समन्वय और आंदोलन कैसा खड़ा करें, और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। ये छोटे छोटे पॉकेट्स में इस लड़ाई को हम नहीं जीत सकते हैं, इसको राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय एजेंडा, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय समन्वय और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी स्थापित करना होगा। यदि हम किसी को नेता भी नहीं मानेंगे, 100 संगठन बनाए हैं, 100 नेता है, सब अपना अपना डपली बजाएगा तो कभी होने वाला नहीं है। और संविधान में इसकी व्यवस्था है अनुच्छेद 25 के तहत, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कल हम लोग दुमका से इसका बड़ा विद्रोह का शंखनाद करेंगे, पूरे भारत के आदिवासी को एकजुट करेंगे और हर कीमत पर सरना धर्म कोड हम लोग लेंगे, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार भी है और दुनिया को भी प्रकृति पर्यावरण बचाना है तो आदिवासी ही बचा सकता है, तभी मानवता बचेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।